بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد. محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أي الله يا أرحم الراحمين मैं इस आज वजूद के साथ आपके कलाम मजीद का तर्जमा और उसके तशरी आपके उन बंदों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं जो आपके कलाम को समझने की ख्वाहिश रखते हैं आपके इस अजीम कलाम की का तर्जमा और तशरी हकीकत तो यह है कि किसी के बंदे के बस की बात नहीं जब तक आपकी तोफीक शामिल हाल न हो कोई भी बंदा आपके कलाम की अजमत और उसकी हकीकत को अपने नाकिस लफ्जों में बयान करने की ताकत नहीं रखता अल्लाह इस कोशिश और काविश का असल मकसूद आपके रजा का हुसूल है और आपके कलाम को आपके बंदों तक पहुंचाने की कोशिश है याहमर राहमीन अपने क़रम से मुझे इस काम के अंदर इखलास भी अता फरमा और उसको ठीक ठीक अपनी रजा के मुताबिक अंजाम देने की तोफीक कामिल अता फरमा आप ही इंसान को तोफ़ी देने वाले हैं आप ही उसको ऐसे काम करने की सलाहियत अता फरमाने वाले हैं जो आपकी रजा के मुताबिक हों आपके तो़ी के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता अल्लाह अपने फ़र्ल करम से मुझे इसकी तौफ़ी अता फ़रमा उसको सुनने वालों के लिए नाफ़े और मुफीद बना दें और उसको मेरे लिए अपनी रजाई कामिल के हसूल और उसको सदक़ा जारिया बनाने की तोफ़ीकता फरमा आमीन सुबा आमीन क़ुरान करीम की सही तफसीर और उसका तर्जमा सुनने और समझने से पहले कुरान करीम के बारे में चंद जरूरी बातें हैं जिनका जानना और समझना इसलिए जरूरी है कि उनको समझे बगैर अल्लाह जिला के इस अजीम पैगाम को ठीक ठीक समझना इंसान के लिए शायद दुशवार होगा लिहाजा कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर शुरू करने से पहले मैं क़ुरान करीम के बारे में चंद बुनियादी मालूम सुनने वालों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि वो क़ुरान करीम के बारे में ये जान सकें कि वो क्या कलाम है और उसके मकासद क्या हैं और वो किस तरह हम तक पहुँचा है ये बात तो हरकश व नाकस को मालूम है कि क़ुरान करीम अल्लाह तबारक व ताली की वो किताब है जो हजूर नबी करीम सरवरद आलम सईदना मोहम्मद सल्लास पर वही के जरिए नादिल हुई और ये अल्लाह जलाू की किताब है लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि वही क्या चीज होती और इंसान को वही की क्या जरूरत है क्यों इंसान वही का मोहताज है और अल्लाह तबारक व ताल अपने मुख्तलिफ बंदों पर वही किस लिए नाजिल फरमाते हैं जो शख्स भी अल्लाह तबारक व ताल पर ईमान रखता हो उसे इतना तो पता होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान ही को इस दुनिया में भेजा है उसी ने इस दुनिया में इंसान को पैदा किया और सदियों बल्कि हा साल से यह सिलसिला आंखों के सामने नजर आता रहता है कि एक इंसान मां के पेट से पैदा होता है बच्चा होता है बचपन गुजारता है जवान होता है अधेड़ उम्र तक पहुंचता है बूढ़ा हो जाता है और फिर बिलाखिर दुनिया से रुखसत हो जाता है बाज़ लोग वो भी हैं जो बुढ़ापे से पहले ही दुनिया को खैरबाद कह देते हैं। ये बात हर इंसान जानता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया वो एक खास वक्त तक के लिए दुनिया में आता है और उसके बाद दुनिया से चला जाता है यह सिलसिला हजार हा साल से इसी तरह चला आ रहा है और इस दुनिया में यह मौत ऐसी चीज है जिस पर किसी का इख्तलाफ नहीं लोगों ने खुदा के वजूद तक से इंकार कर दिया लेकिन मौत के वजूद से कि हर इंसान को ने किसी न किसी वक्त मौत आनी है इससे किसी ने इनकार नहीं किया तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर दुनिया से जाना ही है हर इंसान को दुनिया से जाना ही है तो फिर दुनिया में आया क्यों है अगर अल्लाह तबारक उतारण इस दुनिया में भेजा है तो उसको क्यों भेजा है उसका मकसद क्या है यह बात बिल्कुल वाजह है कि दुनिया में इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इल्म की जरूरत होती है जब तक किसी चीज का इल्म न हो दुनिया में वो उससे फायदा नहीं उठा सकता अगर किसी को यह ना मालूम हो कि भूख मिटाने का क्या तरीका है तो वो खाना कैसे खाएगा और उसको यह मालूम ना हो कि कौन सी चीज खाने के लायक है तो वो अपनी भूख कैसे मिटाएगा अगर उसको यह पता ना हो कि तन ढांकने के लिए बदन ढांकने के लिए कपड़े की जरूरत है और यह मालूम ना हो कि कपड़ा किस तरह पहना जाता है तो वो इस दुनिया में तन ढांक कर कैसे रह सकेगा गरज दुनिया के हर काम के लिए इंसान को इल्म की जरूरत है चुनाचे जब अल्लाह तबारक उतारे ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसको इल्म अता करने के कुछ जराए भी अता फरमाए और ये जराए तीन किस्म के हैं सबसे पहला जरिया जिससे इंसान कोई इल्म हासिल करता है वो उसके हवास हैं, यानी आंख कान नाक और हाथ पांव मुंह बहुत सी चीजें इंसान आंख से देखकर पता लगाता है बहुत सी चीजें इंसान कान से सुनकर पता लगाता है बहुत सी चीजें हाथ पांव से छू कर पता लगाता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नाक से सूंघ कर पता लगाता है यह हवास से क्षमता कहलाते हैं जिनसे हमें बहुत सी बातों का इल्म हासिल होता है हमने आंख से देखा कि यह सामने दीवार है तो हमें पता चला कि यह दीवार है तो आंख ने यह अता कर दिया बहुत सी चीजें कान से सुनकर मालूम होती हैं मुझे किसी ने आकर बताया कि फला शख्स आपसे मिलना चाहता है तो जब किस कान से मुझे पता चला इस कान के जरिए मुझे इल्म हासिल हुआ कि कोई शख्स मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है कोई चीज ऐसी है कि जो सूंघ कर पता लगाई जाती है खुशबू है वो फूल को अगर आप सूंगेंगे तो सुनकर उसकी खुशबू का इल्म हासिल लोग। ये पांच किस्म के खवास हैं जो अल्लाह तबारक ने इंसान को इल्म अता करने के लिए दिए हैं लेकिन इन तीनों जराये में तरतीब यह है कि हर एक जरिए का एक खास फंक्शन है उसका एक खास दायरे कार है एक खास हद है जिसके आगे वो काम नहीं देता मसलन अगर कोई शख्स आंख से देखकर यह तो पता लगा सकता है कि यह फूल है लेकिन नाक बंद करके उसकी खुशबू को आंख से नहीं सूंघ सकता या फर्ज करो कि वो आंखें बंद करके उसका रंग मालूम करना चाहे तो यह नहीं कर सकता आंख अपना काम करेगी कान अपना काम करेगा और नाक अपना काम करेगी हाथ और पांव अपना काम करेंगे। फिर एक मरहला ऐसा आता है कि जहां हमें ये खवास से खमसा यानी पांच हवास ये इल्म अता करने से कासिर रह जाते हैं तो उस मौके पर हमें अल्लाह तबारक वाले ने एक दूसरा जरिया इल्म अता फरमाया है जिसका नाम अकल है जहां कोई चीज हम आंख से देखकर कान से सुनकर नाक से सूंघकर हाथ से छूकर पता नहीं लगा सकते तो वहां अल्लाह तबारक ने हमें अकल अता फरमाई है उस अकल से बहुत सी चीजें हमें मालूम होती हैं वो चीजें मालूम होती हैं जो हमें आंख से देखकर पता नहीं लगाई जा सकती थी लेकिन जिस तरह आंख कान और नाक और हाथ पांव की कार्रवाई ये गैर मामूली हद तक नहीं है बल्कि इसकी एक हद है उसके बाद वो काम नहीं देते इसी तरह अकल की भी एक हद है और उसके बाद वो अकल हवा से क्षमता के बाद उसके अकल की कार्रवाई शुरू होती है और उसी तरह अकल भी एक हद पर जाकर रुक जाती है वो भी गैर महदूद नहीं है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म हम अपने आंख कान, नाक से हासिल कर सकते हैं और नाखल के जरिए इसकी एक मिसाल ये समझिए कि सामने मेरे अगर एक दीवार है तो आंख से देखकर आपको यह इल्म हो जाता है कि इसका रंग सफेद है लेकिन अगर आप अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अकिल की मदद से इस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो यह नामुमकिन इसी तरह जिन चीजों का इल्म अकल के जरिए हासिल होता है वो सिर्फ हवा से मालूम नहीं हो सकती मसल आप सिर्फ आंखों से देख कर या हाथों से छू कर या उसको नाक से सूंघ कर ये पता नहीं लगा सकते कि इस दीवार को किसी इंसान ने बनाया है बल्कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए अकल की जरूरत है लेकिन इसके बाद मजद सवाल पैदा होते हैं कि ये दीवार किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाए कौन से इसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला राजी होगा किस तरह के इस्तेमाल से नाराज होगा यह बात ना हवास के जरिए मुमकिन है ना अकल के जरिए इस किस्म के सवालत का जवाब इंसान को फराहम करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने एक तीसरा जरिया इल्म इंसान को अता फरमाया है जिसका नाम है वही और इसका तरीका यह होता है कि अल्लाह तला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमा उसे पैगम्बर बनाते हैं यानी अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसको मुकर फरमाते हैं उस पर अपना कलाम नाजिल फरमाते हैं इसी कलाम को वही कहा जाता है एक और मिसाल से ये बात शायद ज्यादा सादे तरीके पर वाज होगी फर्ज कीजिए कि एक शख्स के हाथ में एक पिस्तौल है उसे आंख से देखकर वो उसका साइज और उसकी सूरत मालूम कर सकता है हाथ से छूकर यह मालूम कर सकता है कि यह किसी ठोस चीज से बनी हुई है इसका ट्रिगर दबाकर वो ये जान सकता है कि इससे गोली पूरी कुवत से निकलकर दूर गई है उसकी आवाज सुनकर उसे यह मालूम हो जाता है कि उससे धमाका पैदा होता है उसकी नाली को सूंघ कर वो ये पता लगा लेता है कि इसमें से बारूद की बू आ रही है ये सारी इतलात उसे उसके आंख हाथ कान और नाक ने फराहम की लेकिन अगर कोई उससे पूछे कि इसे किसने बनाया तो उसकी आंख उसका कान उसकी नाक या उसका हाथ इस सवाल के जवाब नहीं दे सकते इस मौके पर वो अपनी अकल से सोचता है तो अकल उसे यह बताती है कि यह पिस्तौल जिस अंदाज से बना हुआ है वह खुद खुद वजूद में नहीं आ सकता यकीन किसी कारीगर ने उसे बनाया है वो कारीगर ना उसकी आंखों से नजर आ रहा है और ना उसके कान उसकी आवाज सुन रहे हैं मगर उसकी अकल के जरिए उसे यह इल्म हासिल हो गया कि उसे किसी कारीगर इंसान ने बनाया है अब एक और सवाल यह पैदा होता है कि इस हथियार का कौन सा इस्तेमाल जायज और कौन सा नाजायज है इस सवाल के जवाब में भी अकल एक हद तक तो मदद कर सकती है मसलन अकल से सोचा जा सकता है कि इस हथियार के जरिए किसी बेगुनाह को कत्ल करना बहुत बुरा काम है, जिसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि किसको बेगुनाह कहा जाए और किसको मुजरिम और कौन सा जुर्म ऐसा है जिसके सजा में इस पिस्तौल को इस्तेमाल करके किसी को कत्ल किया जा सकता है ये ऐसे सवालात हैं जिन पर अगर मैं सिर्फ अकल की बुनियाद पर गौर करूं तो आखिर मुझे उलझन में डाल देगी मसलन अगर एक कातिल मेरे सामने है जिसने किसी बेगुनाह की जान ली उसके बारे में मैं अकल से सोचता हूं तो कभी अकल ये कहती है कि इस कातिल ने एक जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुलाया, उसकी बीवी को बेबगी का जख्म लगाया बच्चों को वजह यतीम बनाकर उन्हें बाप की शफकत से महरूम किया इसलिए यह मुजरिम इस लायक है कि उसे भी मौत के घाट उतार कर दूसरों के लिए इबरत का सामान बना दिया जाए लेकिन दूसरी तरफ वही अकल एक दूसरी दलील देती है वो कहती है कि जिस मकतूल को मरना था वो तो मर गया कातिल को कत्ल करने से न वो वापस आ सकता है न उसकी बीवी बच्चों को उनका महबूब वापस मिल सकता है इसके बजाय अगर इस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा तो उसके वो बीवी बच्चे मसाहिब का शिकार होंगे जिनका विचारों का कोई जुर्म नहीं ये दोनों दरीले अकल ही के सहारे वजूद में आई इसलिए निरी अकल के भरोसे पर कोई ऐसा फैसला करना मुश्किल हो रहा है जिस पर सब की अकल मुतमईन हो जाए यही वजह है कि आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला ये मुख्तलफ चला आता है यानी इख्तलाफी चला आता है कि आया किसी कातिल को मौत की सजा देनी चाहिए या नहीं जानी चाहिए ये वो मौका है जहां न मेरे हवास कोई फैसला जवाब देने के काबिल है न मेरी अकल इस मौके पर अल्लाह ताला की हिदायत ही दरकार होती है जिसने इंसान को पैदा किया वो यह हिदायत अपने पैगंबरों पर वही नाजिल करके इंसानियत को फराहम करता है इससे यह बात मालूम होती है कि वही इंसान के लिए वो अला तरीन जरिया है जो उसे उसकी जिंदगी से मुतालिक उन सवालत का जवाब मुहैया करता है जो अकल और हवास के जरिए हल नहीं हो सकते लेकिन उनका इल हासिल करना उसके लिए जरूरी है इससे यह भी वाजह हो जाता है कि सिर्फ अक्ल और मुशाहदा इंसान के रहनुमाई के लिए काफी नहीं बल्कि इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तरफ से नाजिल की हुई वही एक नागजीर जरूरत है और चूंकि बुनियादी तौर पर वही की जरूरत उसी जगह पेश आती है जहां अकल काम नहीं देती इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वही की हर बात का इजराक अकल से ही हो जाए बल्कि जिस तरह किसी चीज का रंग मालूम करना आंख का काम है अकल का, का काम नहीं इसी तरह बहुत से दीन अकायद का इल्मा करना भी अकल के बजाय वही का काम है और उनके इजराक के लिए सिर्फ अकल पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं जो शख्स अल्लाह बचाए, खुदा के वजूद ही का कायल ना हो उससे तो वही के मसले पर बात करना बिल्कुल बेसूद है लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला के वजूद और उसकी कुदरत कामिला पर ईमान रखता हो उसके लिए वही की अकली जरूरत उसके इम्कान और उसके हकीकी वजूद को समझना कुछ मुश्किल नहीं अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यह कायनात एक कादर मुतल ने पैदा की है वही इसके मरबूत और मुस्ताकम निज़ाम को अपनी हमत बालगाह से चला रहा है और उसी ने इंसान को किसी खास मकसद के तहत यहां भेजा है तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि उसने इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया हो और उसे यह ना बताया हो कि वो क्यों इस दुनिया में आया है यहां इसके बड़े जिम्मे क्या फ्राइज हैं उसकी मंजिल मकसूद क्या है और वह किस तरह अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर सकता है क्या कोई शख्स जिसके होश वह हवास सलामत हो ऐसा कर सकता है कि अपने किसी नौकर को एक खास मकसद के तहत किस सफर पर भेजे और उसे चलते वक्त न सबर का मकसद बताए न बाद में किसी पैगाम के जरिए उस पर यह वादे करे कि उसे किस काम के लिए भेजा गया है और सबर के दौरान उसकी ड्यूटी क्या होगी जब एक मामूली अकल का इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो आखिर उस खुदावंद खुदाबंदूस के बारे में यह कैसे तस्वर किया जा सकता है किसकी हमत बालिका से कायनात का यह सारा निजाम चल रहा है यह आखिर कैसे मुमकिन है कि जिस रात ने चांद सूरज आसमान जमीन सितारों और सैरों का ऐसा मह्यालकूल निज़ाम पैदा किया है वो अपने बंदों तक पैगाम पहुंचाने का कोई ऐसा इंतज़ाम भी न कर सके जिसके जरिए इंसानों को उनके मकसद ज़िंदगी से मुतक हिदायत दी जा सके। अगर अल्लाह की तकमत पर ईमान है तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने बंदों को अंधेरे में नहीं छोड़ा बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए कोई बाकायदा निजाम जरूर बनाया है बस रहनुमाई के इसी बाकायदा निज़ाम का नाम वही और रिसालत है इससे वाजह होता है कि वही महज एक दीनी एतक ही नहीं बल्कि एक अकली जरूरत है जिसका इनकार दर हकीकत अल्लाह तबारक व तैयार की हकमत बालगाह का इनकार है ये वही अल्लाह तला ने उन हजारों पैगम्बरों पर नाजिल फरमाई जिन्होंने अपने अपने जबानों में लोगों की हिदायत का सामान किया यहाँ तक के हजूर अकदस सईद मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया गया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुकदस सिलसिले की तकमील हो गई